महाभारत के समय की बात। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना, इसलिए हम सब चूहों की तरह प्राण बचाते भटक रहे हैं। क्या डायरेक्टर मणिरत्नम हुए फेल? क्या पार्ट टू की शूटिंग हुई पूरी? क्या कहा राजमौली ने मणिरत्नम के बारे में? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, 30 सितंबर को रिलीज हुई डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया और एक मल्टी स्टारर फिल्म ऑडियंस की नजरों में छा गई जिसका नाम है पोनियन सेल्वन। जी हाँ दोस्तों, अब इस फिल्म में प्रकाश राज, ऐश्वर्या राय, विक्रम, त्रिशा कार्थी ऐसे तगड़े स्टार हो और मणिरत्नम जैसे डायरेक्टर हो तो फिर फिल्म तो हिट होगी ही ना। तो आपको ये भी पता है कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और 9 महीने के अंदर ही ये पार्ट रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, मणिरत्नम का स्मार्ट प्ले, प्री प्लानिंग और उनकी एक्साइटमेंट को देखकर सभी लोग हैरान हैं। वो नहीं चाहते कि पार्ट वन और पार्ट टू में ज्यादा गैप हो ताकि ऑडियंस फिल्म से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। आपको बता दें दोस्तों कि पोनियन सेल्वन ये चोल एम्पायर, उसकी राजगद्दी, सत्ता पाने के लिए किए गए पॉलिटिक्स की कहानी है और इस फिल्म में स्पाई कैरेक्टर का भी तड़का लगाया गया है जिसका किरदार निभाया है एक्टर कार्थी ने। पर अभी तक इस कहानी का अंत नहीं हुआ है और इसीलिए पार्ट टू की जरूरत है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि वैसे पार्ट टू को लेकर ऑलरेडी शूटिंग हो चुकी है। एक इंटरव्यू के दौरान कास्ट ने बताया कि पार्ट वन की शूटिंग करते वक्त ही उन्होंने पार्ट टू के कुछ शॉट्स शूट किए हैं और इसके लिए उन्हें 155 दिन लगे थे। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मणिरत्नम ने यह भी तय किया है कि पार्ट वन को बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो कुछ सीन्स रीशूट भी करवाएंगे या फिर सारा सीक्वेंस ही बदल देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे पार्ट वन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए पार्ट टू अपने प्रीक्वल को बीट करेगी कि नहीं ये कहना मुश्किल होगा और शायद गलत भी होगा क्योंकि वो कंटिन्यूएशन है। दोस्तों, पार्ट वन को देखकर कुछ लोगों का ये कहना है कि मणिरत्नम कहानी को और कैरेक्टर को प्रेजेंट करने में थोड़े पीछे रहे। कुछ कैरेक्टर्स को अनदेखा किया गया है और वो कैरेक्टर्स बिल्कुल फीके लग रहे हैं जो एक पावरफुल अंदाज में नजर आ सकते थे। तो बस अब इसके बाद ये हो सकता है दोस्तों कि पार्ट टू में मणिरत्नम उन कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस करें, उनको ज्यादा डेवलप करें और ऐड करें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स क्योंकि वही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं। दोस्तों, आपको आगे ये भी बता दें कि इस फिल्म के दूसरे पार्ट में हम कुछ इस तरह की कहानी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मंदाकिनी नाम की रानी पर थोड़ा और फोकस किया जाएगा। अब ये वही मंदाकिनी है जिसने कई बार अरुण मुझी को मदद की है। वहीं दूसरी ओर चोल साम्राज्य का राजा सुंदरा चोल का बड़ा बेटा आदित्य कारिकालन अभी कादमपुर फोर्ट पहुंचने वाला है जिससे इस सस्पेंस भरी कहानी को एक अलग तड़का लगने वाला है। साथ ही चोल साम्राज्य की प्रिंसेस कुंदाबाई इसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है। मतलब साफ है कि अभी भी कहानी में रिवेंज, सस्पेंस और पॉलिटिक्स कूट कूट के भरा हुआ है। दोस्तों, वैसे इस फिल्म को लेकर सब मीडिया वाले और ऑडियंस की नजर एक ही इंसान पर टिकी हुई थी जिसका नाम है SS राजमौली। पर राजमौली का इस पर एक एक्साइटिंग जवाब मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजमौली ने बाहुबली वर्सेस पोनियन सेल्वन और पोनियन सेल्वन 2 को इग्नोर करते हुए मणिरत्नम की तारीफ की और कहा कि मणिरत्नम को बीट करना मुश्किल है। एक हिस्टोरिकल ड्रामा को लार्जर स्केल पर पेश करना बहुत मुश्किल है। साथ ही पार्ट वन के रिलीज होने से पहले ही उन्होंने पार्ट टू की अनाउंसमेंट की, ये तो हैरानी होने वाली बात है क्योंकि इतना तो मैं भी नहीं सोच पाया। मतलब वो काफी दूर की सोचते हैं, 9 महीनों में इतनी बड़ी फिल्म को बड़े लेवल पर ऑडियंस के सामने पेश करना मुश्किल है। तो दोस्तों, देखा जाए, आपने राजमौली की तारीफ की है और वो नहीं चाहते कि बाहुबली और पोनियन सेल्वन में कोई कंपैरिजन हो क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है ना। वैसे अगर रीशूटिंग करवाई गई तो कुछ हद तक बजट में बदलाव हो सकते हैं। जिस तरह से पार्ट वन के लिए 500 करोड़ का बजट तय किया गया था उसमें थोड़ी बहुत रकम बढ़ भी सकती है। तो क्या आपने पोनियन सेल्वन देखी है? और अगर आप एक्साइटेड हैं देखने के बाद फिल्म, तो
आप पार्ट टू का कितना इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।